Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another chapter of income tax, that is clubbing of income. देखिए ये चैप्टर अगर आप सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वहाँ पर एग्जामिनर जो है ट्रिकी से ट्रिकी जो है क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो एक प्रोविजन 5 मार्क्स का हो, तो वहाँ पर वो ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। बट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल की, बी कॉम प्रोग्राम है, बी कॉम ऑनर्स की, तो वहाँ पर एग्जामिनर के पास यहाँ पर ये होता है कि एक स्टेट अवे क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक एज पर दिस सेशन जो है इसकी इनकम जो है क्लब होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पर आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये क्लबिंग होगा या नहीं होगा। कई बार कहता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही ऐड कर देते हैं जहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि क्लब होगा या नहीं होगा, और कई बार आपका ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है 5 मार्क्स का। तो देखिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इग्नोर करें। चैप्टर बहुत ईजी है, बस ये है कि छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे से आपको गो थ्रू करने होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये चैप्टर आखिर सरकार ने बनाया क्यों है, क्योंकि देखिए हमने इनकम टैक्स में अब तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। हमने देखिए इनकम में पढ़ लिया कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कब कब टैक्सेबल होती है, बिजनेस में कौन कौन सी एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कौन से डिस अलाउड हैं, कौन कौन से इनकम वहाँ पर अलाउ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कैपिटल गेन पढ़ा, कौन कौन सी कैपिटल एसेट वहाँ पर काउंट होती है, कौन सी नहीं होती, ठीक है। गिफ्ट के पर्पज़ हमने अच्छे से पढ़ लिए। देन जितने भी रिमेनिंग इनकम थी वो टैक्सेबल कहाँ पर होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिविजुअल केस में, कंपनी के केस में, एचयूएफ के केस में कैसे कैसे जो है टैक्स लायबिलिटी को हम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सब कुछ तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, तो फिर अब रह क्या गया इनकम टैक्स में, मीन्स आखिर सरकार को ये क्लबिंग चैप्टर बनाने की ज़रूरत क्या थी। देखिए सरकार ने जब इनकम टैक्स एक्ट बना रही थी तो क्लबिंग चैप्टर तो काफ़ी बाद में आया था, बिकॉज लोग जितने ज़्यादा लोग होते हैं, लोग इतने शातिर होते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे कैसे सरकार के कानून के या फिर जितने भी सेक्शन हैं उनका उसका यूज़ करके हम कैसे अपने टैक्स को बचा सकें, यानी कि सरकार के बताए हुए जितने भी एक्ट हैं उसी के थ्रू उसका गलत इंटेंशन से उसको हम टैक्स सेव कर देते हैं इंडिविजुअल। उसकी वजह से सरकार को टैक्स की चोरी बचाने के लिए एक नया चैप्टर ऐड करना पड़ा, दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी टैक्सेबल सैलरी, मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल सैलरी, मान लीजिए कितनी है, 4,80,000, और उसी की इनकम मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 120। ये मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैं एक रफ ले रहा हूँ कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 120, एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 480। तो देखिए टोटल अगर इस इनकम की अगर हम निकालें तो इसकी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, 6 लाख। एंड आपको अच्छे से पता है जैसे ही किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाती है तो उसको टैक्स देना होता है। जैसे देखिए अगर 6 लाख पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना होगा, दैट इज 20,000 प्लस 12,500, बेसिक टैक्स कितना हो जाएगा, 32,500, एंड इस पर 4% और आपका हायर एजुकेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी इंडिविजुअल देखिए क्या सोचते हैं कि इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से देख लिया कि मैं कोई भी प्रोविजन लगा लूँ मेरा अब कोई टैक्स नहीं बचेगा, मतलब इन्होंने सारे सेक्शन अच्छे से पढ़ लिए, इन्होंने सीए को भी हाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इन्होंने मतलब हर तरफ से देख लिया कि इनका टैक्स बच नहीं रहा, ठीक है। अब इन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपनी कुछ इनकम को डाइवर्सिफाई कर दूँ, डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि मैं अपनी कुछ इनकम किसी और इनकम के इन किसी और पर्सन में टैक्सेबल कर दूं या उसको शिफ्ट कर दूं। जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको अच्छे से पता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किसकी होती है, ओनर की हो प्लस रेंट वे रेंट से हो। तो अगर ये इनकम इसको किसी और पर्सन में को शिफ्ट करनी है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल हाउस उसको किसी और को देना होगा। तो मान लीजिए ये जो पर्सन है इंडिविजुअल, मान लीजिए मैरिड हैं और ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ये अपने वाइफ को गिफ्ट कर देते हैं,
अब आप खुद ही सोचिए, क्या किसी भी कानून में अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को कोई अगर प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट अगर गिफ्ट करता है, क्या वो इलीगल है? नहीं, सोच के देखिए। अगर आप कि अगर कोई भी पर्सन अगर अपने हस्बैंड को या वाइफ को या किसी को भी, अपने बेटे को, बेटी को, अपनी मदर को, फादर को, कोई भी किसी रिलेटिव को अगर कोई भी एसेट मतलब गिफ्ट कर देता है, तो क्या वो कानूनी गलत है, इलीगल है? जी नहीं। तो इसलिए भाई साहब क्या करते हैं, ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को अपने वाइफ को जो गिफ्ट कर देते हैं। अब इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होता है। अब इससे इस पर्सन की, इन्वेस्टर की इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी रह जाती है? ओनली 4,80,000। एंड आपको अच्छे से पता है कि जैसे ही इनकम 5 लाख से बिलो जाती है, तो एसएससी को रिबेट मिलती है एज पर सेक्शन 87A, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। और मान लीजिए कि जो वाइफ है वो कौन है, होम मेकर है, एंड उनकी और कोई इनकम नहीं है, तो वाइफ के हाथ में देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, 120, तो उनका भी देखिए कोई टैक्स नहीं गया। तो देखिए ये इन्होंने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया कि अपनी इन्होंने इनकम भी डाइवर्सिफाई कर दी। जो इनकम आ रही है बाय वे ऑफ फ्रेंड, वो तो घर पर ही आ रही है, एक ही घर में आ रही है, चाहे वो हस्बैंड के नाम आए चाहे वो वाइफ के नाम आए, बात एक ही है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, इन्होंने अपना टैक्स बचा लिया। अब क्या आप खुद सोचिए, क्या ऐसे कोई गवर्नमेंट ने जितने भी नॉर्म्स बनाए हैं, क्या गवर्नमेंट की कभी ऐसे कोई इंटेंशन रहेगी कि आप इस तरह से टैक्स बचाएं? जी नहीं। इसी को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है? तो आपको इस चैप्टर से शुरू करने से पहले आपको ये तीन टर्म बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि तीन टर्म क्या है। जैसे कि क्या क्या लिखा है मैंने, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग देखिए क्या होता है, सेव टैक्स विद इन द बाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड फुलफिल द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी असेसी हो, ठीक है, अगर वो अपनी टैक्स को अगर वो बचाता है, सेव करता है, किस तरीके से, इनकम टैक्स एक्ट के बाउंडेशन में रह के, यानी कि उसका दायरे से बाहर ना जाए, उसी दायरे में रह के टैक्स बचाए और सरकार की या फिर लॉ मेकर की इंटेंशन को वो फुलफिल करे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है? अब मेरा मान लीजिए मेरी जो बिजनेस से मैं काफ़ी अच्छी, मान लीजिए ट्यूशन क्लास देता हूँ, बहुत अच्छा, मान लीजिए मेरे कोई काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा है, सपोज AJ क्लासेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे मेरे टर्न मेरी जो है मतलब क्लासेस बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, मेरी इनकम एनुअल मानी टर्न ओवर सपोज मान लीजिए 2 करोड़ हो जाती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ओवर सब मिलाकर। अब आपको पता है 2 करोड़ रुपये देखिए टैक्स तो बहुत अच्छा चला जाएगा, मीन्स बहुत 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 ज़्यादा चला जाएगा, सरचार्ज भी लग जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि टैक्स को सरचार्ज से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो मान लीजिए अपने बिजनेस को मैं कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ, सोल प्रोप्रेटर को मैं मान लीजिए अपने कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब उसका देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी कंपनी होती है तो उसका वैसे तो स्टेट वे जो टैक्स है, वो टैक्स रेट है वो कितना, 40% है, लेकिन उस पर सरचार्ज वो कब आएगा, जब किसी कंपनी का टर्नओवर जो है 400 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो सरचार्ज से बचने के लिए मैं करता हूँ अपनी सोल प्रोप्रेटर को मैं कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ और उससे मैं अपना टैक्स बचा लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। अच्छा, टैक्स प्लानिंग कैसे हुआ है, क्या इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन फुलफिल हुई है? जी हाँ, सरकार ये तो चाहती है कि कोई भी SSC या कोई भी इंडिविजुअल अपने बिजनेस को वो कंपनी में कन्वर्ट कर दे, कॉर्पोरेट कर दे। इससे क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी में कोई भी अगर कोई भी खर्चा होगा या कोई भी इनकम होगी वो कंपनी के नाम से होगी, कॉर्पोरेटाइज बढ़ेगा इससे, ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन वाइट का वाइट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इससे सरकार चाहती यही है कि सब कोई भी अगर कोई टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार चाहती यही है कि कोई टैक्स प्लानिंग करे। जैसे देखिए सरकार बनाया है इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 80C। 80C किसके लिए है, ट्यूशन फीस के लिए, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए NPS हो गया, ठीक है, ELSS में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए। ये किसके लिए है, ताकि हमारे देश में जो है कैश फ्लो की जो है वो बड़े जो वॉल्यूम है वो कभी कम ना हो। होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी इनकम अर्न करी और आपने क्या करा, वो इन कुछ अपना पैसा सेव करने के लिए आपने बैंक में नहीं रखा,
आपने क्या करा, आपने एक अलमीरा में रख लिया। अब इससे क्या होगा कि वो मनी सर्कुलेशन रुक जाती है। तो सरकार क्या करती है, इंडिविजुअल मोटिवेट करने के लिए, उनका क्या करती है, टैक्स बचाने के लिए बोलती है, अगर आप इन इन जगहों पे अगर आप अपना इनकम या अपनी जो सेविंग्स है अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स सेविंग का बेनिफिट देगी। तो इसी को बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। ठीक है, यानी कि इससे दो, टैक्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज किसी भी इंडिविजुअल की या एसएससी की टैक्स सेव हो रहा हो, प्लस गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो भी फुलफिल हो रहा हो। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज टैक्स अवॉइडेंस। क्या लिखा, देखिए, सेव टैक्स विद इन द बाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स बट नॉट फुलफिल द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। इसी का जैसे लाइव एग्जांपल जैसे मैंने अभी अभी आपको दिया कि इस पर्सन ने अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर दी और उससे होने वाली इनकम भी वो वाइफ के नाम हो गई। ठीक है, तो इससे ये गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं थी कि आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दो और ऐसे आप सरकार से अपना टैक्स बचा लो। दैट मीन्स आप टैक्स तो बचा रहे हो लेकिन ये गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज टैक्स इवेजन। दैट इज आपने टैक्स तो बचाया लेकिन ना तो वो टैक्स बचाया आपने, मीन्स आपने सारी हदें बाहर कर दी। मीन्स इनकम टैक्स में ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है। दैट मीन्स इफ ऐसा इफ एनी एस एस सी गो बियॉन्ड द इनकम टैक्स एक्ट फॉर एंड फॉर द टैक्स सेविंग दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन एंड दिस इज टोटली इलीगल। इट इज टोटली इलीगल। अब आप खुद सोचिए, अगर टैक्स इवेजन होगा, अगर असेसिंग ऑफिसर आया तो इलीगल है तो उस पर चोरी करता है तो पकड़ा जाएगा आराम से, टैक्स प्लानिंग करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटेंशन फुलफिल हो रही है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में किसी भी चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने इनकम टैक्स के दायरे में रह के अपना टैक्स को बचाया है। ठीक है ना, अब देखिए ना, जैसे ये एग्जांपल है, इसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट करना किसी भी कानून में कहीं पर कुछ इलीगल नहीं है। उसने सीधे सीधे अपनी प्रॉपर्टी जो वाइफ के नाम कर दी और उससे होने वाली इनकम जो है वो वाइफ के बैंक अकाउंट में आ रही है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी, इसके इसको बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे हम टैक्स अवॉइडेंस को दूर करें, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चैप्टर बनाया दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, आई होप आपको अब तक गवर्नमेंट का मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पता चल गया होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या गेम्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 62-65, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि टैक्स अवॉइडेंस के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए ये तो गवर्नमेंट की इंटेंशन फुलफिल कर रहा है, इसमें तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट चाहती है ये कि आप टैक्स प्लानिंग करो, लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स इवेजन करता तो पकड़ा जाएगा, तो गवर्नमेंट तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है यहाँ पर गवर्नमेंट को, इस पॉइंट में आके दिक्कत आती है गवर्नमेंट को कि टैक्स अवेयरनेस को कैसे दूर करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए गए, एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल्स बनाए, यानी कि टैक्स अवॉइडेंस के विरुद्ध गवर्नमेंट ने क्या बनाए, अपने रूल्स बनाए हैं। दो तरह के रूल हैं, देखिए, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स एंड सेकेंड वन इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्या मतलब है इसका, यानी कि स्पेसिफिक इन द सेंस गवर्नमेंट ने बताया कि अगर कोई भी इनकम इस तरीके से अगर डाइवर्सिफाई होती है तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये इनकम क्लब हो जाएगी। यानी कि वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि अगर ये ऐसा कहीं पर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई तो ये इनकम जो क्लब हो जाएगी। कैसे क्लब होगी वहाँ भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने साफ साफ इस मतलब अगर मैं देखिए अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँ तो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स बेसिकली क्या है कि अगर कोई एसएससी टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू अगर टैक्स सेव करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक किया हुआ है दैट एज पर दिस स्पेसिफिक सेक्शन दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एसएससी, और यू कैन से दिस इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ एसएससी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सार, दैट इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। देखिए इसके बारे में मतलब बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि आखिर ये गार है क्या। देखिए गार बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है रूल है, और ये जो रूल है वो इंट्रोड्यूस किया था
इन 2012 में, 2012 में इसको सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको एप्लीकेबल करते करते सरकार को 5-6 साल लगे और इसको एप्लीकेबल बेसिकली लाना पड़ा 2018 में। इसको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि सरकार ने इसमें रूल इतने खतरनाक बनाए थे कि सरकार को इस पर सोच बहुत सोचना पड़ा कि इसको हम कब एप्लीकेबल करें। देखिए गार बेसिकली क्या होता है, गार का जनरल दैट मीन्स अदर देन स्पेसिफिक, हमने अभी हमने सारा समझा, स्पेसिफिक जनरल मीन्स अदर देन स्पेसिफिक, यानी कि जहाँ पर सरकार की पहुँच नहीं हो पाई कि भी मतलब जहाँ पर सरकार ने मतलब कोई स्पेसिफिक कोई सेक्शन नहीं बनाया कि अगर ये टैक्स अवॉइडेंस हुआ तो यहाँ पर सार लगे, लेकिन अगर सार भी नहीं लगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, गार दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अच्छा इसमें खतरनाक क्या है, मीन्स इतना डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए मान लीजिए अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अपने अपनी इनकम डाइवर्सिफाई कर दी और टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू उसने अपना टैक्स सेव कर दिया और उसने वो ट्रांजेक्शन करी है जहाँ पर सार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट मीन्स जहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई वो एसएससी पकड़ा जाता है सो एसेसिंग ऑफिसर के पास वो एक हाई कमांड की पावर दी हुई है कि फुल्ली पावर दी हुई है कि अगर कोई टैक्स अवॉइडेंस करते हुए पकड़ा गया तो आपके पास फुल्ली राइट है कि आप उस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से किस मोड पे ले लेके जाओ, ठीक है, या कि इस ट्रांजेक्शन को कौन सी शेप दोगे, और आपके पास फुल्ली राइट है कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक पनिशमेंट या फिर एक हैवी पेनल्टी जो इम्पोज करना वो एक असेसिंग ऑफिसर के हाथ में पूरी दे दें। तो इसलिए ये रूल जो है बड़ा डेंजरस बन जाता है। तो सरकार को जब ये 2012 में लेके तो आ गई, लेकिन सरकार को उसको एप्लीकेबल करने 6 साल लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को पता था कि इंडिया में तो टैक्स चोरी होती होती है, लेकिन बाहर से जो आते हैं वो भी इनकम जो काफ़ी टैक्स चोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ये गार प्रोविजन एप्लीकेबल करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि एफडीआई को जो बढ़ावा देना था, तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, गवर्नमेंट के हाथ जो बंधे हुए थे। तो यहाँ पर सरकार ने जब ये 2018 में जब लेके आई तब इसमें भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट सरकार ने लगा दी, थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी इसमें कितने की, 3 करोड़ की, यानी कि अगर कोई एसएससी ने अगर टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू टैक्स सेव किया और अगर उसका कोई भी सेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन सार में एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वो गार में आएगा, लेकिन गार में तब का आएगा जब उसने टैक्स की चोरी कितनी की हो, 3 करोड़ की हो, 3 करोड़, ठीक है, जैसे 3 करोड़ हुए वैसे ही वो उसका जो है असेसिंग ऑफिसर जो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये सरकार को बहुत सोच समझ के लाना पड़ा, तो इसको बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल दैट इज गार, ठीक है। बस याद रखना गार तब एप्लीकेबल होगा कब कब, अगर सार ना लग रहा हो प्लस टैक्स की चोरी जो 3 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्लबिंग ऑफ इनकम आखिर है क्या। देखिए क्लबिंग को इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन 62-65 एंड सेक्शन 27। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर देता है, तो सारा का सारा खेल किस चीज का है, देखिए स्लैब इट के तो है, सारा खेल किसका है, स्लैब इट का है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक सेक्शन ला दिए कि एज पर सेक्शन 62-65 अगर कोई इनकम अपनी अगर डाइवर्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 62-65, ठीक है। अब सेक्शन 27 क्या है, आपको अजीब लग रहा होगा कि कहाँ तो सेक्शन 62-65 और कहाँ ये सेक्शन 27, मींस देखिए नंबर में भी देखिए आसपास नजर नहीं आ रहा। बात यह है कि सरकार ने क्या करा, जब भी क्लबिंग चैप्टर बना रही थी तो पहले तो क्लबिंग चैप्टर अच्छे से सब कुछ रूल्स लिख दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने गार भी लेके आगे सब कुछ ले जाएगी, लेकिन कुछ मतलब महानुभव होते हैं जो अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। तो क्लबिंग चैप्टर किसके लिए आया, किसके लिए आया, मीन्स फॉर दी एंटी अवॉइडेंस रूल, एंटी अवॉइडेंस रूल दैट मीन्स एंटी अवॉइड अवॉइडेंस टैक्स रूल्स, ठीक है ना, मीन्स अगर कोई टैक्स अवॉइडेंस करता है उसके अगेंस्ट विरुद्ध सेक्शन लेके आए कौन से, सेक्शन 62-65। लेकिन
कुछ असेसी या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इन सेक्शन को यूज करके भी इन्होंने टैक्स अवॉइड कर लिया। तो फिर सरकार ने तो भाई मतलब उस इंसान के आगे अपने हाथ हाथ जोड़े और सरकार को मजबूरन ये सेक्शन बनाना पड़ा, सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27 बड़ा मज़ेदार है, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि सेक्शन 62-65 किसके लिए है, जहाँ जहाँ पर इंडिविजुअल ने स्लैब रेट की मदद से अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर दिया, तो वहाँ पर जो है सेक्शन 62-65 अप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स वो इनकम जो है एसएससी के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जहाँ पर स्पेसिफिक सेक्शन 27 आता है। ठीक है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए अब धीरे धीरे डिस्कस करते हैं आर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 16। देखिए सेक्शन 60 क्या कहते हैं, इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। क्या मतलब उसका, मान लीजिए आप आपका एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मीन्स कोई मॉनिटरी या फाइनेंशियली आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो आपकी अच्छा टर्नओवर है, आपके अच्छे बिजनेस चल रहा है या मान लीजिए आपकी अच्छी सैलरी है, सो आपकी कोई ऐसी एसेट है जिससे होने वाली इनकम को क्या करते हो, आप उस अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रांसफर करते हो, आप उससे होने उस कैपिटल एसेट से होने वाली इनकम को, आप पूरी इनकम को आप जो है अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देते हो। तो उसके लिए क्या बोला हुआ है सेक्शन 60 में, सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड की अगर मदद करना चाहते हो तो आप एसेट ही ट्रांसफर कर दोगे, अगर आप जेन्युइनली अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप एसेट ट्रांसफर करोगे ना, आप इनकम भी ट्रांसफर करोगे। मान लीजिए आपने आपकी आपकी मान लीजिए कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को, मान लीजिए आपके पास डिबेंचर्स हैं और उस पर आपका अच्छा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने क्या करा, उस जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपने वो इंटरेस्ट अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो आपने उसको डिबेंचर नहीं दिए, आपने डिबेंचर से जो इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है आपने वो पूरी की पूरी इनकम जो अपने बेस्ट फ्रेंड के अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दी है। अब आप देखिए, आप असेसिंग ऑफिसर या फिर लॉ मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, लॉ मेकर तो ये बोलेगा कि मैं मुझे कैसे पता चला कि आपने उनको ट्रांसफर कर दिए, आपने चलो चेक के थ्रू आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हो सकता है आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कैश के थ्रू वापस भी ले रहे हो भी सकता है। ठीक है, यानी कि आप अपने व्हाइट में तुमने दोस्त को दे दिया लेकिन ब्लैक में बाई वे ऑफ कैश आप उसे वापस भी ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉ मेकर की कोई इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि लॉ मेकर कहता है कि अगर आप किसी दोस्त को वाकई में अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप उसको पूरी कैपिटल से ट्रांसफर कर दो ना, जो सी इनकम अराइज होगी वो आपके दोस्त की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर किसको कर सकते हैं, टू एनी पर्सन, कोई भी हो, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो नॉन रिलेटिव हो। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होगा, सच इनकम विल बी क्लब्ड क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि जिसने ये इनकम ट्रांसफर करी है वो इनकम उसी के ही इनकम में जो है वो क्लब हो जाएगी। ठीक है, सो ये था आपका सेक्शन 60। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 61, क्या लिखा है देखिए इसमें, इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज रिवोकेबल ट्रांसफर, यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ, एसएससी ने अपनी एसेट ही ट्रांसफर कर दी, लेकिन यहाँ पर ये कौन सी ट्रांसफर कर दी, रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल मीन्स मैंने आपको कोई एक एसेट ट्रांसफर करी और ये बोल दिया मैं आपसे ये एसेट कभी वापस ले सकता हूँ, तो ये तो मतलब ट्रांसफर करो या ना करो बात एक ही है, ना के बराबर हुआ। ठीक है, रिवोकेबल मीन्स आपके पास वो एसेट का राइट को राइट नहीं है
और वो एसेट मैं आपसे कभी भी वापस ले सकता हूँ, उसको बोलते हैं रिवोकेबल। तो इसमें बोला हुआ है कि इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर करी है उस एसेट पे होने वाली जो इनकम होगी जिसने ट्रांसफर करी है उसी के हाथ में जो टैक्सेबल होगी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर किसको कर सकते हैं, अगेन टू एनी पर्सन, किसी को भी करो, चाहे अपने फादर को, चाहे अपने मदर को, चाहे वाइफ को, चाहे हस्बैंड को, ठीक है, किसी को भी करो, चाहे वो फ्रेंड का करो, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे नॉन रिलेटिव हो। मीन्स अगर कोई भी एसेसी कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है एज रिवोकेबल ट्रांसफर, तो उस एसेट पे होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्लब होगी। ठीक है, क्लब होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, क्लब होगी, क्योंकि क्लब होगी फिर तो टैक्सेबल हो ही जाएगी, तो क्या बोलेंगे, क्लब होगी। अच्छा यहाँ पर देखिए कौन सी एसेट थे यहाँ पर, ये कौन सी ट्रांसफर थे यहाँ पर, रिवोकेबल ट्रांसफर। अभी 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 ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन 60, यहाँ पर क्या ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इनकम ट्रांसफर करते हैं। ये कौन सी इनकम थी, रिवोकेबल या इरिवोकेबल। देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर कोई कैपिटल से ट्रांसफर कर रहा है, इनकम ट्रांसफर कर रहा है, वो भी कौन सी इनकम, या तो वो रिवोकेबल हो या फिर इरिवोकेबल हो, तो वो क्लब होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इनकम का मतलब है, इनकम मतलब दोनों हैं, चाहे वो रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए ये था आपका सेक्शन 60 एंड 61, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सेक्शन 62, क्या बोला देखिए यहाँ पर। इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज इरिवोकेबल ट्रांसफर, सेक्शन 62 क्या बोला देखिए, इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज इरिवोकेबल ट्रांसफर, इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज इरिवोकेबल ट्रांसफर, तो उसमें क्या बोला है, इनकम फ्रॉम सच एसेट विल नॉट बी क्लब्ड विद ट्रांसफरर। यानी कि अगर कोई भी असेसी अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है, कौन सी ट्रांसफर कर रहे हैं पर, ये इरिवोकेबल ट्रांसफर, तो उस केस में उससे उस एसेट से होने वाली इनकम जो है वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब नहीं होती। तो इनकम फ्रॉम सच एसेट विल नॉट बी क्लब्ड विद ट्रांसफरर, इनकम जो है वो जो जिसने ट्रांसफर करी है उसके हाथ में वो क्लब नहीं होगी। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे किसी भी पर्सन ने, मान लीजिए एक असेसी है, इन्होंने इस पर्सन को एक कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दी, बट किस तरह की ट्रांसफर है वो, इरिवोकेबल ट्रांसफर। इरिवोकेबल मतलब क्या होता है, मान लीजिए ट्रांसफर करी इन 2005, ठीक है, और इसको बोल दिया इसी डेट को इसी साल को कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला है कि तुम्हारे जीते जी ये एसेट जो है ये तुम्हारी हुई, इससे होने वाली जो इनकम है वो भी तुम्हारी हुई, लेकिन तुम्हारे लाइफ टाइम के, यानी कि तुम्हारे मरने के बाद ये एसेट जो है ये मेरे नाम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए वो 2019 में मिस्टर बी की डेथ हो गई, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर बी, द इनकम अराइज फ्रॉम सच एसेट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी, ओके, बट आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर बी द इनकम ऑफ सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ
ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन था यहाँ पर, मिस्टर ए। इसी को बोलते हैं हम इरिवोकेबल ट्रांसफर। दैट मींस जिसको एसेट ट्रांसफर करी है उसके लाइफ टाइम तक उस एसेट पे राइट प्लस उस एसेट पे होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरी के हाथ में ही होगी, बट उसके डेथ के बाद वो इनकम जो है वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट लिखी हुई है, इनकम फ्रॉम सच एसेट विल नॉट बी क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर, सच इनकम इज टैक्स इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी टिल हिज और हर डेथ, आफ्टर डेथ इनकम विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबल ट्रांसफर। अब देखिए इससे मजेदार मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि एग्जाम में सी एक एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 2005 में एक कैपिटल एसेट जो है किसी एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर करी। अब 2019 में वो मिस्टर बी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से पता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द इनकम ऑफ फ्रॉम सच एसेट विल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ मिस्टर वी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे आगे क्या हुआ कि 2019 में जब डेथ हुई, मान लीजिए जून 2019 में, 1 जून 2019, ठीक है, तो अब मिस्टर ए जो हैं अब वो उनके घर जो हैं मतलब एसेट की उनको पोजेशन लेनी अपनी, तो क्या हुआ कि मिस्टर ए जो हैं इनके घर मानी जून में नहीं गए, ठीक है, वो 3 महीने बाद गए यानी कि जून जुलाई अगस्त, वो सितंबर में गए, 1 सितंबर को गए, और 1 सितंबर को उन्होंने क्या करा उस एसेट पे उन्होंने पोजेशन ले ली। ठीक है, अब सीए में क्वेश्चन ये आया कि मिस्टर ए के हाथ में वो इनकम कब से टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के हाथ में वो इनकम कब से टैक्सेबल होगी, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई थी कि मिस्टर ए जो है उनके घर वो जून में 3 महीने इसलिए नहीं गए क्योंकि देखिए दुखी घड़ी थी, अब दुखी घड़ी में जाके थोड़ा बोल सकते हैं कि लाओ भाई ये एसेट मैंने उसको दी थी तो मैं वापस लेने आया हूँ, तो वो उनको जाना अच्छा नहीं लगा तो वो उन्होंने कुछ टाइम उनने परिवार वालों को दिया और 3 महीने बाद वो अपने एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिर वापस लेने के लिए जो है गए, और उन्होंने मान लीजिए 1 सितंबर को उस एसेट पे उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। अब क्वेश्चन ये आया कि उस एसेट पे जो होने वाली जो इनकम थी जो 3 महीने हैं ये किसकी इनकम में आ गया, क्योंकि वो इस इनकम की तो डेथ हो गई, पोजेशन यहाँ पर आई है, तो इस 3 महीने का जो है पीरियड उस पर होने वाली इनकम वो कहाँ पर जाएगी, तो सेम वो किसके हाथ में जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में। ट्रांसफर ये थे क्योंकि लैंग्वेज क्या लिखी हुई वहां पर, अल्टीमेट आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरी द इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, यानी पोजेशन चाहे आप 1 साल बाद लो, 2 महीने बाद लो, 3 साल बाद लो, कभी भी लो, जैसे ही ट्रांसफरी की डेथ हो जाएगी, डेथ होने के 1 दिन बाद से ही उस एसेट पे होने वाली इनकम जो है वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ट्रांसफर किसको की गई, चाहे आप ट्रांसफर स्पाउस को करो, चाहे सन वाइफ को करो, चाहे माइनर को करो, ठीक है, तो इन तीनों केसेस में जो है ये इनकम जो है वो क्या होगी, क्या होगी, क्लब हो जाएगी, यानी कि ये जो हमने लिखा है अदर्स, ये रूल इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ये अदर्स रूल इन सब के लिए, यानी कि अगर किसी नॉन रिलेटिव को अगर कोई एसेट ट्रांसफर करी है थ्रू इरेवोकेबल ट्रांसफर तो इन वो उस एसेट पे होने वाली इनकम जो क्लब नहीं होगी, वो क्लब कब होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरिंग। बट अगर ट्रांसफर करी किसको करी है, स्पाउस को, सन्स वाइफ को यानी कि बहू को, या फिर माइनर
माइनर यहाँ पर मीन्स माइनर चाइल्ड, खुद का चाइल्ड, किसी मतलब किसी पड़ोसी का बच्चा नहीं है, खुद का ही है, ठीक है। तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। इस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है जो मैंने लिखे हैं 6414, 6416, 6401 है, इनको हम आगे अच्छे से गो थ्रू पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अब तक हमने जो ट्रांसफर जो पढ़े हैं दो तरीके पढ़े हैं, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल। तो देखिए हमने ट्रांसफर अभी दो टाइप के पढ़े हैं, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल। देखिए ट्रांसफर वैसे देखे जाए तो चार तरह के ट्रांसफर होते हैं, जैसे नॉर्मल सेल, गिफ्ट हो गया, या फिर विदाउट एडिक्वेट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। या फिर इरिवोकेबल, एंड द फोर्थ वन इज रिवोकेबल। देखिए अगर कोई भी एसएससी नॉर्मल सेल के थ्रू कोई भी ऐसे ट्रांसफर करता है तो उसमें तो सरकार कुछ कोई मतलब एलिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सेल है, ट्रांसफर कर दी, किसी को भी करो, चाहे वाइफ को करो, चाहे ब्रदर को करो, चाहे मदर करो, चाहे फ्रेंड को करो, पड़ोसी किसको भी करो, किसी करो, नॉर्मल सेल ही करिए। अगर सेल करिए है प्रॉपर एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो जिसको जो ऐसे ट्रांसफर करिए ना थ्रू नॉर्मल सेल, उससे होने वाली जो इनकम है वो तो ऑब्वियसली ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का ट्रांसफर, दैट इज नॉर्मल सेल। सेकेंड वन इज गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसको हम एक ही कैटेगरी में लेक्चर ही लिख देते हैं। इसमें तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई गिफ्ट जो है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को ट्रांसफर करी विद और विदाउट मतलब सॉरी विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर कंसिडरेशन कर दी, या फिर गिफ्ट के थ्रू जो है ट्रांसफर कर दी, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में जो वो क्लब हो जाती है, उससे होने वाली इनकम जो वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाती है, ठीक है। सेम हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ इरिवोकेबल। अभी हमने पढ़ा इरिवोकेबल के में क्या होता है कि जैसे ही इनकम जो है वो उसकी आफ्टर डेथ हो जाती है ट्रांसफर की, वो इनकम जो है वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाती है, ठीक है। फिर है बात आती है रिवोकेबल की, रिवोकेबल क्या कुछ नहीं है, वो तो ना के बराबर है, यानी कि मैंने आपको कोई एसेट दी और मैंने कहा मैं आपसे ये एसेट है कभी वापस ले सकता हूँ। तो देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इनके नेचर में क्या डिफरेंस है, देखिए नॉर्मल सेल होता है इनका नेचर क्या है, यानी कि अगर आपने किसी को नॉर्मल सेल कर दी कोई भी एसेट जो है नॉर्मल सेल कर दी, तो अब वो उस एसेट का क्या कर सकता है, ही और शी हैज़ फुल्ली राइट ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट, दैट मीन ही शी कैन गिफ्ट टू अनदर पर्सन, ही शी कैन डोनेट टू अनदर पर्सन, और ही शी कैन लाइक प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, ठीक है। इवन ही और शी कैन ट्रांसफर और सेल दैट पर्टिकुलर एसेट टू समवन एल्स, ठीक है। सो फुली राइट होता है नॉर्मल सेल में, गिफ्ट में, गिफ्ट में ही होता है। गिफ्ट में क्या होता है, मैंने आपको कोई गिफ्ट किया, आप वो गिफ्ट किसी और को गिफ्ट दे सकते हो, सेल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या इरिवोकेबल में ऐसा कर सकते हो, नहीं। इरिवोकेबल एंड रिवोकेबल में ट्रांसफर के हाथ में वो राइट नहीं होता है, कौन कौन सा राइट नहीं होते। इरिवोकेबल में आप जो ट्रांसफरी है वो उसको यूज तो कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लेकिन वो उसको आगे रीसेल नहीं कर सकता, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता, किसी को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। और रिवोकेबल में तो मीन्स जब तक है तब तक मतलब यूज तो कर सकते हो, वो डिपेंड करता है ट्रांसफर अगर बोले तो, ठीक है। या तो ट्रांसफर से हो सकता है कि आप इसको रख लो लेकिन मैं आपसे कभी भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है रिवोकेबल में, मीन्स ना तो आप किसी को दे सकते हो, ना डोनेट कर सकते हो, ना बेच सकते हो, ना यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो तो ना के बराबर है। तो ये आपको इन सबका नेचर पता होना चाहिए कि इन सबका ट्रांसफर का मेन नेचर क्या है, ठीक है। सो ये आपके फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। तो ये था आपका सेक्शन 62, आगे बढ़ते हैं हम
सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या होता है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर फॉर सेक्शन 61 एंड 62। यानी जो मैंने अभी आपको ट्रांसफर जो मैंने बताया ना, फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, वो मैंने आपको आपको सेक्शन 63 अकॉर्डिंग वो आपको समझा दिए कि यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन है सेक्शन 64 1 4। यानी कि अब हम 64 के सीरीज में पहुंच गए हैं। तो 61 1 4 किसके लिए, स्पाउस के लिए है। 61 6 सन्स वाइफ बहू के लिए। 61 7 एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, यानी कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ हस्बैंड और स्पाउस, स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो। ठीक है, यानी कि एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, स्पाउस को मिल रहा है। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका सेक्शन 64 1 8 है, यानी कि कोई भी एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है, सन्स वाइफ को यानी कि बहू को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए, इन चारों के लिए ट्रांसफरी, देखिए यहां से ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को एक एसेट, कोई भी एसेट, एनी एसेट ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर गिफ्ट, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या गिफ्ट, इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एज पर सेक्शन दिस, अगर आपने स्पाउस को गिफ्ट किया या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई भी एसेट ट्रांसफर करी, या फिर सन्स वाइफ को करा, या फिर किसी ऐसे थर्ड पर्सन को करा जिसका फायदा अल्टीमेट किसको मिल रहा है, स्पाउस को मिल रहा है, या फिर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर करा जिसका अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है, सन्स वाइफ को हो रहा है, तो उन सब केसेस में अगर आप कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सो इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, अब आते हैं बहुत मजेदार, आपका अब टॉपिक शॉर्ट होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। ये कौन है, मान लीजिए मिस्टर राम है। ठीक है, और ये कौन है, मान लीजिए ये है सीता। ठीक है, इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम गिफ्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हुई, वो कर दी मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर कर दी। अब हुआ क्या, राम ने एक्चुअली काफ़ी दिमाग लगाया कि इन्होंने ये गिफ्ट हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों की। जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि अगर किसी भी एसएससी के पास दो से ज़्यादा अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, सो अदर देन टू हाउस प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट माना जाता है। यानी कि अगर किसी के पास तीन घर हैं तो तीन में से दो घर वो कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और थर्ड को वो डीम लेट आउट माना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही केस हुआ राम के साथ। राम के पास तीन घर थे और जैसे ही सरकार ने ये रूल एप्लीकेट करा 2019 में कि किसी पास अगर दो से ज़्यादा घर हुए तो बाकी जो बचे हुए घर हैं वो डीम लेट आउट माना जाएंगे। राम के पास तीन घर थे तो राम ने दिमाग लगाया कि मैं दो घर अपने पास रखता हूँ और एक घर में अपनी वाइफ के नाम पर इसको गिफ्ट कर देता हूँ। अब सरकार होगी यहाँ पर अलर्ट, सरकार बोलती है अच्छा तो हमने जो सेक्शन बनाया ना वो सेक्शन 61(4) उसमें क्या बोला हुआ है कि अगर आपने कोई भी एसेट जो है अपने स्पाउस को अगर बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर करी है तो उस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जो है वो ट्रांसफर के हाथ में जो है टैक्सेबल होगी। राम जी बोलते हैं हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लब करो। अच्छा क्लब कर दें, ठीक है हाँ जी क्लब कर दूँ। ठीक है, तो राम जी बोलते हैं अब एसेसिंग ऑफिसर से ठीक है लेकिन पहले आप जो इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है वो तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इन द सेंस
क्योंकि देखिए आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी इनकम टेक अगर टेक कैलकुलेट होती है वो स्टार्टिंग से लेकर होती है, यानी कि पूरे फाइव जो फाइव हेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे, मान लीजिए अब ये जो रेंट, इस पे तो रेंट आ नहीं रहा, सीता के को गिफ्ट कर दी, अब वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक ही घर है सीता के हाथ में, तो क्या हो गया, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। सो उस केस में जब सीता के हाथ में जब आई तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी आई, सेल्फ ऑक्यूपाइड आई है। अब बताइए, मान लीजिए इस पे रेंट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है, तो सरकार ने सीता जी से पूछा कि क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जी हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो देखिए एनएवी क्या होगी, नील होगी। तो मिस सीता को वो गिफ्ट कर दी, एंड जब मिस सीता से पूछा गया क्या ये जो घर है वो रेंट पे है, उन्होंने कहा जी नहीं ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एनएवी तो देखिए इसमें नील हो गया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या इस घर पे कोई लोन है, जी हाँ लोन है, तो मान लीजिए लोन आया सपोज 1 लाख का, ठीक है, तो टोटल जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो देखिए नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी, कोई भी ये कर सकता है, लोन है तो नेगेटिव, नहीं है तो जीरो आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एज पर सेक्शन 64(1) के थ्रू अगर इनकम क्लब भी होगी तो वो कौन सी इनकम क्लब होगी, कौन सी इनकम क्लब होगी, या तो वो नेगेटिव होगी या तो वो जीरो होगी। तो क्लब भी हो गई तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, वो तो राम को ही हो जाएगा। जीरो हुआ तो ठीक, जीरो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, नेगेटिव हुआ तो उल्टा फायदा हो गया, ये तुमको सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर सरकार फंस गई, सरकार ने कहा कि तो गड़बड़ हो गई, ये तो भाई हमारा जो रूल बनाया ये तो भाई उसमें खेल गया, भाई हमने तो क्लबिंग चैप्टर बनाया था ताकि जो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो पकड़ा जाए, लेकिन यहाँ तो पकड़ने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने रूल बनाया था कि अगर किसी के पास दो से ज़्यादा घर हो तो वो डीम लेट आउट बना जाएगा, जो डीम लेट आउट घर है उसी को उन्होंने गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट करने के बाद जब इनकम क्लब आई तो वो जीरो आई, तो फिर ये तो सरकार फंस गई। तब सरकार ने देखा 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 अभी कानून कहाँ है, तो सरकार ने देखा अभी कानून कहाँ है, सरकार ने कहा अच्छा अब हम करते हैं इसको यहाँ पर एनी एसेट जो है ना, एनी एसेट है जो ना, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। अब करो यानी कि अगर कोई भी एसेसी ने अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी कि क्लब ही नहीं होगा, तो क्लब नहीं होगा तो फिर गिफ्ट कर दे तो फिर क्या होगा, क्लब भी नहीं होगा और गिफ्ट भी कर दिया तो फिर होगा क्या, उसके लिए पढ़ाया था मैंने आपको सेक्शन 27, आगे ना देखो 27 बताया था ना, बड़े मजा आएगा आपको, क्या लिखा हुआ इसमें, डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप किसी भी स्पाउस को, अपने स्पाउस को अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी एज गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हो तो जो ट्रांसफर होता है उसको हम डीम्ड ऑनर मान लेते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा डीम्ड ऑनर का, जब डीम्ड ऑनर ही वही है तो क्या होगा, अब चाहे उसके पास दो घर हों, दो घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरे घर के लिए वो डीम्ड लेट आउट हो गया, लेट आउट डीम्ड ऑनर हो गया, और डीम्ड ऑनर माना गया तो उसको लेट आउट माना जाएगा, तो उस पर तो इनकम टैक्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब सरकार जो फंस रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एसएससी के हाथ में फुल्ली पावर रहती है, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या, मान लीजिए सेक्शन 27 नहीं होता, मान लीजिए 27 नहीं हो रहा तो क्या होता, मान लीजिए राम के दो बच्चे और हैं तो वो दो बच्चे के नाम और दो प्रॉपर्टी कर देता, भाई बहन हैं तो उनके नाम प्रॉपर्टी कर देता, गिफ्ट कर देता, तो ऐसे तो वो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता, मीन्स जो इतनी भी डीम गेट आउट थी वो अपने परिवार को सबको गिफ्ट कर देता और आराम से, मतलब कोई टैक्सेबल ही नहीं था। तो अब केस में क्या होगा, जितने भी गिफ्ट किए हैं वो सारे के सारे राम को डीम्ड ऑनर माना जाएगा, डीम्ड ऑनर होगा तो क्या होगा, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, डीम्ड लेट आउट, और लेट आउट के केस में उसको तो पता ही है रेंट जो है पेरेंट के हिसाब से माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ जाएगा।
ठीक है। सो इसलिए सरकार को यहाँ पर जो है एक नया सेक्शन ऐड करना पड़ा, दैट इज सेक्शन 27। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि इफ एनी पर्सन ट्रांसफर दी हाउस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू स्पाउस, टू सन्स वाइफ, टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, उस केस में ट्रांसफर को ही हम क्या मानेंगे, डीम्ड ऑनर मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये आप उसको बुक में आप कोई भी सेक्शन पढ़ो उन सब में लिखा हुआ एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 64। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 64(2), क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय मेंबर टू हिज और हर HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आप देख रहे हो मतलब सरकार को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए मतलब एक इंडिविजुअल अपने स्लैब रेट से मतलब अपनी इनकम को डाइवर्सा करने क्या क्या रास्ता बनाता है। तो देखो यहाँ पर लोगों को चोरी पकड़नी पड़ती है, तो लोग यहाँ पर हर बार जो सरकार को अपने अपना पैन उठाना पड़ता है और एक नया सेक्शन ऐड ऑन करना पड़ता है, मतलब जितनी चोरी उतने 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 सेक्शन, मतलब जो बेचारा पढ़ता है या पढ़ाता है उसके लिए सरकारी जरूरत यह है कि वो सारे सेक्शन याद करें। ठीक है, सो मतलब यही है कि जब बच्चे जब काफ़ी परेशान होता है कि सर इतना सारा लर्न कैसे करें, आपको सोचना इतना सारा टैक्स प्रोविजन बनाया क्यों गवर्नमेंट ने, सरकार ने, इनकम टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए। अगर लोग ईमानदार हों, ऑनेस्ट हों, तो फिर सरकार को इतने प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी SSC अगर अपनी एसेट को ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, HUF को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देखिए मान लीजिए ये HUF है और उसमें ये सारे जो है मेंबर्स हैं। अब इसमें मेंबर्स कोई भी हो सकता है HUF में, देखिए वैसे ही होता है, मान लीजिए कोई हेड ऑफ द फैमिली है, उसमें स्पाउस भी है, बच्चे भी हैं। ठीक है, बच्चे के अलावा मान लीजिए कोई और HUF है जो कि जेन्यून HUF है। ठीक है, मीन्स उसमें फिर सिर्फ फैमिली मेंबर्स नहीं है और भी अदर मेंबर्स हैं। अब इसमें होता क्या, मान लीजिए कोई एक फैमिली मेंबर है, ठीक है, ये वही वही है, तो अब गवर्नमेंट ने जब सेक्शन बना दिए कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को जो है एसेट जो ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं किसी और को ना करूं, मैं क्या करता हूं, अपने HUF को कर देता हूं बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अब HUF में कौन है, उसके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, तो अब यहाँ पर भी सरकार फिर वही, सरकार के हाथ में फिर वही, किसको भी कैसे करें। तो सरकार ने बोल दिया यहाँ पर, क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, यानी कि अगर कोई फैमिली मेंबर अगर कोई कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर करता है HUF को भी, तो यहाँ पर ट्रांसफर के उस कैपिटल एसेट से होने वाली इनकम जो है ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, मान लीजिए ये HUF आगे जाके इसमें पार्टीशन हो जाता है, आगे जाके पार्टीशन हो जाता है, तो पार्टीशन के बाद एज पर एक्ट मान लीजिए वो पर्टिकुलर जो कैपिटल एसेट है वो मान लीजिए अगर किसी और को हो गई, मान लीजिए किसी और को हो गई यानी कि अदर देन फैमिली मेंबर्स, तो फिर तो वो क्लब होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टीशन के बाद भी मान लीजिए स्पाउस या फिर माइनर को होगी या फिर कोई भी फैमिली मेंबर को होगी, तो उस केस में पार्टीशन के बाद भी वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगी। पार्टीशन के बाद भी वो पर्टिकुलर एसेट पे होने वाली इनकम जो है वो हो जाएगी, वो इनकम जो क्लब हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, पहले क्या लिखा, देखिए इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय मेंबर टू हिज और हर HUF विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब विद ट्रांसफर टिल पार्टीशन, पार्टीशन तक वो रहेगी, बट आफ्टर पार्टीशन क्लब कब होगा, क्लबिंग विल बी ओनली कंटिन्यू इफ सच एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय HUF टू हिज और हर स्पाउस और माइनर को होगा, तो भी तो ठीक है, स्पाउस या माइनर को, तो वो क्लबिंग जो है कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
सो दिस इज द सेक्शन 64.2. रेस्ट ऑफ इट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.